सकते हैं कि हम लोग करनाला फोर्ट के गेट पे पहुंच चुके हैं। आपको हमारे पीछे दिख रहा होगा करनाला बर्ड सेंचुरी। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है देखने और घूमने लायक। तो फ्रेंड्स, अब हमारी जर्नी चालू हो चुकी है करनाला फोर्ट की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और कुछ देखने लायक चीजें या आपको बताने लायक चीजें सामने आएंगी कि ये क्या है, मैं आपको वहां पे बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है इस वीडियो में। देख सकते हैं करनाला फोर्ट जाने का रास्ता इधर है और हम अब चल दिए हैं करनाला फोर्ट की तरफ। तो आगे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, बताता रहूंगा कहां पे क्या है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। आप देख सकते हैं हमने ट्रैकिंग चालू कर दी है। दिस इज कॉल्ड ट्रैकिंग। थोड़ी देर सबकी वही कंडीशन होने वाली है, चिंता मत कर। धीरे धीरे फोर्ट की ओर चढ़ते हुए हम लोग सीढ़ियों से आगे बढ़ रहे हैं। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हमारी सांसें फूलने को आ गई है। देखते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, फिर मैं कुछ आगे चला जाऊंगा तो फिर आपको दिखाऊंगा आगे का रास्ता। ऐसे ये रास्ता देखकर आप समझ ही गए होंगे फोर्ट जाने का रास्ता कैसा है। चलिए दोस्तों आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग ट्रैकिंग पे निकले हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह की ट्रैकिंग सामने आने वाली है जो कि काफी चढ़ाई है। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स कि कैसे हम आगे पार कर पाएंगे इस चढ़ाई को। हम लोग नहीं चल पा रहे, दो पैर हो गया, नहीं चल पा रहे। फ्रेंड्स, हम लोग इन पहाड़ियों की ऊंची नीची चढ़ाइयों पर चढ़ते हुए सफर को जारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। काफी थकान हो चुकी है, मन ऐसा कर रहा है कि कहीं पर बैठ जाए, लेकिन अगर बैठ जाएंगे तो हमारे पास टाइम नहीं है। ये फोर्ट मार्ट तो 5 बजे तक ही चालू रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। आपको मेरी आवाजों से समझ में आ रहा होगा कि कितनी थकान हो चुकी है। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे होंगे कि ऊपर खावड़ रास्तों पर अभी भी हमारी चढ़ाई जारी है। करीब 20 मिनट की ट्रैकिंग हम कर चुके हैं और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि हमें आधे घंटे तक कम से कम और चढ़ना है। तो चलिए आगे का अपडेट फिर मैं आपको दूंगा आगे कहीं रुकने के बाद। तो जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ से हमें 1.25 किलोमीटर के आसपास और अभी चलना है। हम लोग करीब 200 मीटर की यात्रा तय कर चुके हैं। थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप भी कभी इस फोर्ट को देखने और चढ़ते चढ़ते चढ़ाई को थक जाएं, तो ध्यान रखिएगा एक जगह कुछ ऐसा रास्ता भी आता है जहाँ पर आपको बिल्कुल चढ़ाई नहीं मिलती है। ये प्लेन रास्ता आपकी थकान को दूर करने के लिए काफ़ी होगा। तो मैं आपका बस उत्साह बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, परेशानी तो मुझे भी हो रही है। मन कर रहा है कि यहीं से लौट के घर चला जाऊँ, लेकिन आधे में कोई सफर छोड़ना ये ठीक बात नहीं होती। बस इसके लिए, इसको पूरा करने के लिए हम बढ़ रहे हैं मजबूत कदमों के साथ और उम्मीद करेंगे कि कभी आप भी इधर घूमने आओ तो थको मत, हारो मत, बढ़ते चलो, क्योंकि अगर हम हिम्मत रखते हैं तो हमें मंजिल जरूर मिलती है। तो चलिए दोस्तों आगे फिर आपको मैं दिखाता हूँ, नया अपडेट जारी रखेंगे आने वाले वीडियो में। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह की भयंकर चढ़ाई हम लोग चढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग ने आधे भी सफर तो तय नहीं किया, काफी बुरी तरह से थक चुके हैं और अभी हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं बचा है, लेकिन फिर भी हम लोग चालू हैं, बढ़ते हैं ट्रैकिंग की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर एक क्रांतिवीर की तस्वीर लगी है जिनका नाम वासुदेव बलवंत था। अब ये मुझे नहीं पता कि इनका इस जगह से क्या रिश्ता था। तो चलिए आगे का सफर जारी करते हैं। तो फाइनली दोस्तों
हम ऊंची नीची चढ़ाइयों पर चढ़ते हुए किसी तरह से पहुंच चुके हैं अपने गोल की ओर। नाला फोर्ट के पास पहुंच चुके हैं और आगे हम देखने वाले हैं नाला फोर्ट में क्या क्या है देखने और घूमने लायक। फोर्ट में पहुंचने के साथ आपको ऐसी सीढ़ियां मिलती है फोर्ट पर चढ़ने को। ये लास्ट चढ़ाई है और फोर्ट के पास पहुंच चुके हैं। काफी परेशान हुए हम लोग ऊपर चढ़ते हुए, काफी थक गए। एक बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कभी भी आप आए तो पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि बीच रास्ते में कहीं भी आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा जब तक आप इस फोर्ट पे नहीं पहुंच जाते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं यही वो फोर्ट है। और आपको कुछ लोग ऊपर दिख भी जाएंगे जो कि चढ़े हुए हैं। ये रास्ता है, यहाँ से आप फोर्ट के ऊपर चढ़ेंगे। ये सीढ़ियाँ जिससे हमें चढ़ते हुए ऊपर फोर्ट तक पहुँचना है। हमारा गोल वो गेट है जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा और आप देख सकते हैं कि किस तरह की खड़ी चढ़ाई है। अभी तक की मुसीबतों का सामना करते हुए तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, बट ये छोटी सी मुसीबत अब हमें काफ़ी बड़ी लग रही है। फिर भी अब यहाँ तक आ गए हैं तो ऊपर तो चढ़ते ही हैं। देखते हैं आगे और कैसे अपने सफ़र को हम तय कर पाते हैं। आपके लिए एक अच्छा सा एडवेंचर वाला दूर रहेगा अगर आप कभी आते हैं यहाँ पे तो। थकान के कारण मेरी आवाज़ भी थोड़ी गड़बड़ा रही फ्रेंड्स, तो इग्नोर कीजिएगा इसको, क्योंकि आप कभी अगर यहाँ तक आए और जब आप इतनी ऊंचाई पर चढ़ेंगे तब तक शायद आपके भी यही कंडीशन हुई रही होगी कि आपकी भी आवाज़ सही से नहीं निकल पाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे मैं दिखाता हूँ आपको। और फाइनली मैं उस गेट तक पहुंच गया हूं और ऊपर आ चुका हूं मैं फोर्ट पे। जैसे ही आप फोर्ट की चढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में ये देखिए गेट दिख रहा है। यहां से भी अंदर कुछ है और अंदर फिर से एक चढ़ाई, और ये देख सकते हैं पुराने जमाने के गेट जैसा बना हुआ है। इस पर अच्छी नक्काशी की गई है, कांटेदार नक्काशी लोहे के बनाए गए हैं। ये पुराने जमाने में सुरक्षा के हिसाब से बनाए जाते थे। ये है दोस्तों उस फोर्ट का रास्ता। चलिए आगे की चढ़ाई शुरू करते हैं और फाइनली उस जगह पे हम पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था, जिस जगह का गोल लेके निकले थे आप देख सकते हैं। तो फिर इसलिए मैं आगे जाऊंगा, आपको आगे का सफर दिखाऊंगा। और ये दीवार आप देख सकते हैं दोस्तों, जो पुराने जमाने में सुरक्षा के हिसाब से बनाए जाते थे, यहीं पर खड़े होकर पहरेदार पहरा दिया करते थे और दूर से ही दुश्मनों को आते हुए देख लेते थे। इसके लिए आप देख सकते हैं ये छोटी खिड़कियां बनाई गई हैं ताकि यहां से बैठ के दूर से आने वाले दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। और ये छोटे छोटे होल बनाए हुए जहां पर हथियार रखते होंगे, मैं कह नहीं सकता क्योंकि यहाँ कोई बताने वाला भी नहीं है कि आखिर ये क्यों बनाया गया है। तो मैं बस आपको दिखा सकता हूँ, एक अंदाजे से बता सकता हूँ कि आखिर ये किस देश से बनाए गए होंगे। और ये है फोर्ट का सबसे ऊपरी किला। फोर्ट पे पूरा एड्रेस लिखा हुआ है इस फोर्ट का।
बना हुआ एक कमरा, पता नहीं इसका गेट कहाँ से है, शायद इसमें पुराने जमाने में लोग कभी रहा करते थे। देख सकते हैं बड़ी चौड़ी ऊंची दीवारें, मोटी और मजबूत। लोग ऐसे ही पुराने जमाने में खुद रहने के लिए बनाए करते थे। और ये आप देख सकते हैं जो किला मैं आपको बाहर से दिखा रहा था, जो कमरा उसका गेट है, यहाँ से कभी एंट्री रही होगी। और एक बड़ा सा कमरा, इसमें कभी लोग रहते होंगे। और ये सामने देखिए एक दरवाजा भी है इसमें एंट्री के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पुराने जमाने में बनाया गया, पानी स्टोर करने के लिए बनाया जाता था ये, ताकि लोग पीने के इस्तेमाल में ला सकें या फिर अपने जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए बनाते थे ये गड्ढे, ताकि इसमें बरसात का पानी जमा हो सके और वह पीने और बाकी चीजों के इस्तेमाल के लिए बाद में ला सके। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पुराने जमाने का बनाया गया यह किला कितनी मजबूती से बनाया गया है। और कई तरफ से इसके रास्ते भी बनाए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर से रास्ता है, ऊपर से आपको दिख रहा होगा, और एक रास्ता इधर से नीचे से होते हुए भी किले पे जाने के लिए है, जो कि इस जो कुआं है जहाँ पे पानी जमा करते थे लोग, उसके बगल से होते हुए ऊपर की ओर चढ़ता है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारा फ्रेंड एक है संदीप, वो पानी भरने नीचे गया हुआ है। बड़ी मुश्किल से पानी भरने को मिलता है इधर, क्योंकि आप जब पूरे रास्ते चढ़ोगे कहीं भी आपको पानी नहीं मिलेगा। यहाँ आने के बाद आपको इसी कुओं से, जो कि बारिश का पानी जमा होता है, और फिर या फिर पत्थरों से रिस कर यहाँ तक आता है, इसी जगह से पानी भर कर आपको पीना पड़ेगा। और हम सारे फ्रेंड काफ़ी थक चुके हैं, देख सकते हैं हमारे कुछ भाई थक गए हैं और अपना टाइम पास कर रहे हैं फोन के साथ। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जानते हैं अब अंकुश भाई के विचार। तो फाइनली मैं बोलूंगा कि मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आपको शानदार वीडियो बनाते हुए दिखेंगे हमारे भाई। और हम लोग जिधर आए, ये पुराने जमाने का फोन है, राजा महाराजा लोग का है, तो हम लोग ने पूरा दिखाया है, लेकिन हम लोग लग गई भाई। वीडियो देखो आप लोग, बस वीडियो देखो, मजे उठाओ। और कभी भी घूमना हो तो आप आ जाओ, क्योंकि हमने जिस तरह से हर वीडियो बनाया, आपको गाइडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से यहाँ तक आ सकोगे। और आप जब भी आना तो पूरी तैयारी के साथ आना, क्योंकि हम तो बिना तैयारी के आ गए थे, इसलिए हमें परेशानी का सामना करना पड़ा। दोस्तों यहीं पर मैं अपना ब्लॉग खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।